अब चाहे वो मार्वल यूनिवर्स हो या डीसी यूनिवर्स, मैजिक यूजर्स की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। लेकिन मैजिक यूजर्स भी कई तरीके के मैजिक यूज करते हैं, जैसे लोकी एसगार्डियन मैजिक यूज करता है, एंशिएंट वन एल्ड्रिच, और ऐसे ही हम एक एक करके सिनेमैटिक यूनिवर्स के सारे मैजिक्स की आज बात करने वाले हैं। फर्स्ट है हाइड्रोकिनेसिस। अब एक्वामैन की बंदी मेरा को हम सब ने देख रखा है, लेकिन मेरा को छोड़कर किसी को भी हाइड्रोकिनेसिस मतलब पानी को कंट्रोल करना नहीं आता है। और कुछ दिनों पहले तक मुझे भी ऐसा लगता था कि हाइड्रोकिनेसिस टेलीकिनेसिस जैसे काम करता है, पर मेरा के पास पानी को कंट्रोल करने की सुपर पावर नहीं है, बल्कि वो एटलांटियन मैजिक यूज करती है। बेसिकली हाइड्रोकिनेसिस एटलांटिस का एक मैजिक है जो गिने चुने लोगों को करना आता है। इस मैजिक से यूजर किसी भी तरह का लिक्विड अपने विल पर कंट्रोल कर सकता है। ये मैजिक लिक्विड को सॉलिड भी बना सकता है और किसी भी बीइंग के बॉडी का सारा ब्लड उसके बॉडी से निकाल सकता है। नेक्स्ट है डिवाइन मैजिक। अब इस मैजिक को हमने मून नाइट में देख रखा है। डेटेज मतलब मून नाइट सीरीज में दिखाए गए गॉड्स के अवतार इस मैजिक को यूज करते हैं। डिवाइन मैजिक का सिग्नेचर कलर पिंक और पर्पल है। वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि इस मैजिक से सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन इस मैजिक को यूज करने के लिए गॉड्स के पास उनके अवतार होने चाहिए, और बड़े लेवल पर मैजिक यूज करना है तो गॉड्स और उनके अवतार्स को साथ मिलकर काम करना पड़ता है। मिरर डायमेंशन मैजिक। अब काफी सुपर फैंस को लगता है कि मिरर डायमेंशन एल्ड्रिच मैजिक का हिस्सा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मिरर डायमेंशन अपने आप में एक अलग मैजिक है, पर जिस बंदे को एल्ड्रिच या फिर क्योस मैजिक यूज करना आता है वो मिरर डायमेंशन मैजिक यूज कर सकता है। इस मैजिक को ज्यादातर सोसर सुप्रीम यूज करते हैं, क्योंकि उन्हें काफी पावरफुल स्पेल को कास्ट करने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बेसिकली मिरर डायमेंशन में फिजिकली कुछ भी डैमेज हो जाए उसका असर रियलिटी पे नहीं होता है। वैसे मिरर डायमेंशन के कई सारे यूज है, जैसे मिरर वॉल्स बनाना, एनिमी को ट्रैप कर देना, और एनिमी को ट्रिक करने के लिए रिफ्लेक्शंस बनाना। और अगर मिरर डायमेंशन को क्योस मैजिक या एल्ड्रिच मैजिक के साथ कंबाइन कर दिया जाए तो मिरर डायमेंशन स्पेल को ब्रेक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है। शेजम विजार्ड मैजिक। अब शेजम को जिस विजार्ड से अपनी पावर्स मिली थी उसी विजार्ड ने ब्लैक एडम को आज से कई सेंचुरीज पहले पावर दी थी। अब हमें ये तो पता है कि ये बंदा वर्दी बींग्स को चुनकर उन्हें गॉडली पावर दे सकता है, पर ये पावर्स ट्रांसफर करने के लिए जो मैजिक यूज होता है उसका नाम क्या है वो डीसी ने आज तक नहीं बताया। पर शेजम और ब्लैक एडम की पावर्स मैजिकल है, इसलिए विजार्ड मैजिक भी लिस्ट में है। नेक्स्ट है टालो मैजिक। अब इस मैजिक को शांगची की मदर यूज करती थी। इस मैजिक को टालो डायमेंशन में सीखना पड़ता है, और ये मैजिक ग्रेट प्रोटेक्टर के प्रेजेंस में अपने फुल पोटेंशियल पर काम करता है। पर अभी तक इस मैजिक से हमें एयर मैनिपुलेशन, फोर्स फील्ड क्रिएशन और एयर ब्लास्ट देखने मिला, पर ये एबिलिटी काफी है 10 रिंग यूजर को बराबरी की टक्कर देने के लिए। नेक्स्ट है एल्ड्रिच मैजिक। अब इस मैजिक को कई सारे लोग सोर्सरी भी कहते हैं। एल्ड्रिच मैजिक बेसिकली एक डायमेंशन मैजिक है जिसे सोर्सरर रियलिटी में चैनलाइज करते हैं। इस मैजिक का प्राइमरी कलर येलो और ऑरेंज है, पर इसे शील्ड, स्वॉर्ड, बैंड, इल्यूजन, डायमेंशन बींग को समन करना और ऐसे ही कई सारे स्पेल यूज कर सकते हैं। एल्ड्रिच मैजिक का यूजर टाइम के साथ पावरफुल होते जाता है, लेकिन अगर कोई डॉक्टर स्ट्रेंज या एंशिएंट वन के लेवल का हो तो वो काफी हद तक इन्फिनिटी स्टोन्स को अपने मैजिक से बराबरी की टक्कर दे सकता है। डार्क मैजिक। अब इस मैजिक को विचक्राफ्ट भी बोला जाता है, और डार्क मैजिक को सीखना सबसे हार्ड काम है, क्योंकि डार्क मैजिक को यूज करना हर किसी के बस की बात नहीं है। वंडर विजन में हमने आगाता हार्कनेस को डार्क मैजिक यूज करते हुए देख रखा है, पर डार्क मैजिक का कोई स्पेसिफिक कलर नहीं है। आगाता हार्कनेस के यूज करने पर यह मैजिक का कलर पर्पल दिखता था, वही जब वंडा डार्क मैजिक को यूज कर रही थी तब इसका कलर रेड था। डार्क मैजिक के ऐसे कई सारे स्पेल्स हैं जिन्हें बोलना पड़ता है, और अगर बहुत हाई लेवल के स्पेल है तो रिचुअल भी फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अगर स्पेल बोलते टाइम किसी ने बीच में इंटरफेयर कर दिया तो डार्क मैजिक यूजर को भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ सकता है। नेक्स्ट है डार्क डायमेंशन मैजिक। अब ये वाला मैजिक सीधा डोरमामू से आता है। एंशिएंट वन और कैसिलियस जैसे सोर्सरर्स डार्क डायमेंशन मैजिक का यूज करते थे, पर एंशिएंट वन बस टैप इन किया करती थी, इसलिए एंशिएंट वन कभी डोरमामू के कंट्रोल में नहीं थी। एंशिएंट वन ने बस अपनी लाइफ स्पैन को बढ़ाया था, जबकि कैसिलियस और उसके टीम मेंबर्स ने डार्क डायमेंशन से बहुत ज्यादा पावर ले ली थी। वैसे व्हाट इफ वाले डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क डायमेंशन मैजिक से ही क्रिस्टिन को फिर से जिंदा कर दिया था, जिसकी वजह से पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गया। क्योस मैजिक। अब आज के टाइम पर सिर्फ स्कारलेट विच है जो इस यूनिवर्स में क्योस मैजिक यूज करती है। क्योस मैजिक अभी तो सबसे पावरफुल है, क्योंकि इस मैजिक से बहुत कुछ किया जा सकता है, जैसे माइंड कंट्रोल, टेलीकिनेसिस, पावर एब्जॉर्प्शन, एक्स बनाकर लोगों को अपना स्लेव बनाना और रियलिटी मैनिपुलेशन। क्योस मैजिक की खास बात यह है कि इसे सीखा नहीं जा सकता, विच पैदा ही इस मैजिक को यूज करने के लिए होती है। और दूसरी बात, क्योस मैजिक को यूज करने के लिए कोई मंत्र या रिचुअल फॉलो नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट है डार्क होल्ड मैजिक। अब डार्क होल्ड में इन्फिनाइट डार्क स्पेल्स है जिन्हें अपने फुल पोटेंशियल पर सिर्फ क्योस मैजिक के जरिए यूज किया जा सकता है। ये बात अलग है कि डार्क होल्ड अपने यूजर का माइंड करप्ट कर देती है, और साथ में उसके फिंगर्स भी ब्लैक होने लगते हैं। पर डार्क होल्ड यूजर कितने पावरफुल होते हैं हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देख रखा है।
स्कारलेट विच रियलिटी को मैनिपुलेट कर रही थी, 838 यूनिवर्स वाले डॉक्टर स्ट्रेंज ने थानोस को मार दिया था, तो हम सोच सकते हैं कि डार्कहोल्ड मैजिक कितना पावरफुल है। पर अगर कोई मैजिक यूजर बुक ऑफ विशांति लेकर डार्कहोल्ड के सामने आ जाए तो हो सकता है कि डार्कहोल्ड यूजर डिफिट ना हो, लेकिन ये बात भी पक्की है कि बुक ऑफ विशांति के व्हाइट स्पेल के सामने डार्कहोल्ड के डार्क स्पेल्स भी काम नहीं करने वाले। नेक्स्ट है एसगार्डियन मैजिक। अब वैसे तो एसगार्डियन वासी मैजिक में बिलीव नहीं करते, उनके हिसाब से वो हाईली एडवांस साइंस को यूज करते हैं, और इनकी हाईली एडवांस साइंस में आते हैं लोकी और फ्रिगा के इल्यूजन, हेमडाल की आंखें, थोर की लाइटनिंग पावर्स और वर्दीनेस का स्पेल, डिस्ट्रॉयर आर्मर का चलना, और जो उसके मुंह से ऑरेंज कलर की बीम्स निकलती है वो ओडिन फोर्स और एसगार्डियन मैजिक में आती है। और भी कई तरीके के मैजिक एसगार्डियन मैजिक में आते हैं, जैसे कि डेथ ट्रांसफर, मतलब डेथ के बाद वाला हाला में जाना, और मेरे हिसाब से यही वो सारे मैजिक है जो हमें सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखने मिले। लेकिन अगर कोई मैजिक मुझसे छूट गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।